और ये देख सकते हो दोस्तों, इतना सारा सामान तोड़ लिया हूँ सुबह सुबह टाइम का, और ये हमारा नेनुआ हो गया। तो हम लोग डोरका बोलते हैं इसको, और आप लोग नेनुआ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए। और हमारा लौकी टूट गया है 2 करेट का, और भिंडी है, भिंडी हमारा 3 करेट का है दोस्तों। और अभी जस्ट तोड़ के निकले हैं, चलिए मिलते हैं बाजार की तरफ, क्या क्या रेट बिकता है दोस्तों। नट ब्लूट का सानी हो खा देख सकते हो, गाड़ी पे अपना बांध लिए हैं, और हमारा है 5 करेट, और एक झोला है तोरोई डाले हैं उसमें, और एक तोरोई का झोला ये इधर देख सकते हैं दोस्तों। इसको हम लोग ना गाड़ी के आगे टंकी वाले हिस्से पे रखेंगे, और मिलते हैं मंडी पे, देखते हैं क्या क्या रेट बिकता है, आज का मार्केट कैसा चलता है। और छोटा सा तो बाजार है दोस्तों, बुधवारी बड़ा बाजार तो तीफरा नहीं जा पा रहे हैं अभी इस टाइम, अभी तो तीफरा में बहुत डाउन चल रहा है दोस्तों रेट, तो इस नाम से अभी बुधवारी जाते हैं रोज़ के रोज़। अब चलिए मिलते हैं बुधवारी पे, क्या क्या रेट बिक रहा है भिंडी और तोरई लौकी आपको दिखाते हैं। बोलो भाई ब्रांड बरबटी की भूली वाला ना, एक कुमार का बरबटी, ब्रांड बरबटी है 7 रुपया किलो बरबटी। तो भाई साहब देख सकते हैं आमा हुआ आ गया है, टमाटर गवार से एक नंबर बरबटी है, तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ बिलासपुर से अपना भिंडी उंडी को बेच कर कर यार, और रेट को तो आपको पता ही होगा बाज़ार में क्या क्या रेट चल रहा है, वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा। लौकी तो भाई साहब 5 रुपया 6 रुपया, और बरबट्टी भी 5 रुपया 6 रुपया दोस्तों। देख सकते हैं ये इसमें ना नाली किनारे किनारे में मैं बरबट्टी लगाया था, मतलब भिंडी से मतलब 1.5 या 2 महीना बाद में लगाया था नाली किनारे किनारे में, तो इधर का भी बरबट्टी निकल रहा है दोस्तों। बरबट्टी का भी भाव एकदम से उतर गया है, 6 रुपया 7 रुपया चल रहा है अभी बिलासपुर मंडी में। और लौकी ले गया था दोस्तों, तो लौकी कटा था मेरा, एक तो लौकी 8 रुपये कटा था, एक तो 5 रुपये कटा था दोस्तों लौकी। और जब अभी जस्ट आया हूँ मैं बाज़ार से, और ये देख सकते हो टसले पे मैं ना खाद मिला लिया हूँ, DAP और यूरिया, मतलब अभी भी मतलब दोस्तों हम लोग अपने भिंडी पे ना खाद डाल रहे हैं, इसका छोड़े हम लोग अभी 2 बार और डालेंगे दोस्तों इसमें खाद। और दवाई तो खैर अभी रेगुलर पूरा साठ तक का, मतलब ना 6वां महीने तक, मई जून, अभी पूरा तो मई और जून तक पूरा डालेंगे दोस्तों दवाई और खाद। और अभी हमारा देख सकते हैं भिंडी अभी नया के नया ही है, अभी बर्बाद मतलब कुछ ख़राब उराब नहीं हुआ है दोस्तों, हम लोग बहुत मतलब संभाल के रखते हैं अपने भिंडी को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिके इस नाम से संभाल के रखते हैं दोस्तों अपना भिंडी को। और देख सकते हैं अभी भी एकदम मतलब दोस्तों नया टाइप का भिंडी दिख रहा है, और ये जनवरी में लगा है दोस्तों हमारा भिंडी, मतलब जनवरी में नहीं दिसंबर पे लगा है दोस्तों, दिसंबर 22-23 दिसंबर को हम लोग पानी पलाए थे दोस्तों, सबसे पहला पानी भिंडी पे। और अभी देख सकते हैं अभी 4वां महीना हो रहा है अभी, और भिंडी भी हमारा अभी ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ा रेट का थोड़ा इशू है, 12-13 रुपया, चलो कोई बात नहीं, रोजी तो अपना पड़ जाता है, 3-4 लोग का रोजी तो निकल जा रहा है अभी गर्मी में, आखिर काम करेंगे तो धूप में कहाँ काम करेंगे दोस्तों, इस हिसाब से अपना खेती में काम कर लेंगे और अपना भिंडी को संभाल के ना अभी रोजी पानी चलेगा। इसी खाद कल के लिए आया था, अभी मिलाया हूँ, एक DAP है और एक यूरिया दोस्तों, अभी DAP और यूरिया भी लास्ट में ही डाल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं खाद को ना एक पानी गैप करने वाला हूँ दोस्तों, और ये 1 महीने के बाद पला रहा हूँ दोस्तों अपने भिंडी को। तो आपको पता ही होगा सभी राज्य में पानी मतलब बारिश हुआ था, पानी का बहुत बारिश हुआ था सभी राज्यों में, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा बारिश हो गया था दोस्तों, करा वगैरह तो भी गिरा था, तो करा गिरने से तो यहाँ का तो करा नहीं गिरा है, लेकिन हवा बहुत तेज़ी से आया था दोस्तों, और भिंडी को ना जो फल था ना, फला हुआ भिंडी पूरा नीचे में सो गया था दोस्तों, अभी धूप किया ना तो उठा है अभी सब। और अभी क्या पहले खाद छींट लेता हूँ, उसके बाद पानी को फिर थोड़ा देखना है, और
फिर शाम को ना बरबट्टी को हार्वेस्टिंग करूँगा और थोड़ा लौकी को भी काटूँगा दोस्तों, क्योंकि लौकी अभी बरसात हुआ ना दोस्तों, तो अच्छा फल है लौकी और बरबट्टी, लेकिन रेट नहीं मिल पाया दोस्तों जितना हम लोग सोचे थे ना, उतना भी बरबट्टी में भी नहीं मिल पाया रेट और लौकी में भी नहीं मिल पा रहा है रेट। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो रोजी वैसे भी पड़ रहा है, अब 5 रुपये किलो जाए चाहे 6 रुपये किलो अभी बहुत है हमारे लिए, 5 रुपये 6 रुपये KG दोस्तों रोजी तो कम से कम निकल रहा है अभी 3 लोग का। अभी यहाँ हम लोग 3 लोग रहते हैं दोस्तों, मेरे 2 सिस्टर और मैं, तो मतलब हम लोग का 3 जने का ना मतलब रोजी निकल जा रहा है। और अभी बज रहा है 11:30, अभी खाना वाना भी नहीं खाया हूँ, सुबह का क्या बना है, रोटी बनना है तो मैं फाइनली अपना खाद को सींच लूँ दोस्तों आधा खेत में, और मैं आपसे विदा लेना हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।